तो क्लास 8 स्टूडेंट्स, आज हम लोग आप लोग का हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है मॉडर्न इंडिया एंड द वर्ल्ड। और इसमें जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड ऑफ पीरियड इन यूरोप, इंडिया इन द 18th सेंचुरी, सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि मॉडर्न पीरियड इन द इंडिया इज सेड टू हैव स्टार्टेड इन द 18th सेंचुरी। ये मॉडर्न पीरियड होता है इंडिया का, वो कब स्टार्ट हुआ था, 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। सम ऑफ द कैरेक्टर फीचर्स इन द मॉडर्न इरा इंक्लूड इंडस्ट्रियलाइजेशन, रैपिड प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ग्रोथ ऑफ सिटीज एंड ग्रेटर इंट्रैक्शन अमंग द नेशन। और क्या था, यानी इस ड्यूरेशन में क्या हुआ था हमारा, इस ड्यूरेशन में औद्योगिकीकरण हुआ था, नए नए वो मॉडर्न एरा था और इंडस्ट्रियल कंपनियां खुल रही थी, जल्दी जल्दी प्रोग्रेस हो रही थी, टेक्नोलॉजी का ग्रोथ हो रहा था और सिटीज बन रही थी, ठीक है, अमंग नेशन पूरे देश में। इंडिया इन 18th सेंचुरी वॉज इन अ क्योटिक पॉलिटिकल कंडीशन, यानी कि 18th सेंचुरी में जो हमारा इंडिया था वो क्या था, बहुत ही बुरी स्थिति में था। कैसे, इन द मुगल एम्पायर विच हेल्ड द कंट्री टुगेदर फॉर अबाउट 3 सेंचुरीज दे बिकम वीक। क्या हुआ था, मुगल एम्पायर जो था यानी कि मुगल साम्राज्य था, उसने क्या किया था, उसकी वजह से हमारा जबकि काफ़ी टाइम से उन्होंने शासन किया था तो हमारा क्या हो गया था, जो स्थिति थी देश की वो कैसी थी, दयनीय हो गई थी, कमज़ोर हो गया था देश हमारा, ठीक है, क्यों हो गया था, द कंट्री वॉज बिकम ब्रेकिंग अप इंटू स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट, क्योंकि हमारा जो देश था वो छोटे छोटे रियासतों में, छोटे छोटे देशों में, स्टेटों में बटा हुआ था। एंड डेट कंटिन्यूसली फॉट विथ ईच अदर, और जो आपस में रियासतें थी, जो छोटे छोटे राज्य थे, वो आपस में क्या करते थे, लड़ते थे। दिस यूनिटी फाइनली लीड टू कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश। एज द रिजल्ट इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल प्रोग्रेस दैट टुक प्लेस इन यूरोप एंड रीच मच लेटर इन इंडिया। इसी वजह से क्या हुआ कि डिसयूनिटी यानी यूनिट नहीं थी, इस वजह से क्या हुआ, इससे फाइनली जो इंडिया में ब्रिटिश लोगों को अपनी कॉलोनी बसाने का मौका मिल गया और उन्हें इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल प्रोग्रेस में उन्होंने अपना हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था, ठीक है। इन कोर्स ऑफ टाइम इंडिया टू बिकम एक्सपोज टू दिस चेंज एंड द मॉडर्न पीरियड बिगन इन इंडिया फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। क्या हुआ था, इसी समय में क्या हुआ, परिवर्तन देखने को मिले, ठीक है, और जो भारत था वो एक्सपोज हो गया और इस मॉडर्न पीरियड में या ये मध्यकालीन में ही क्या हुआ, हमारा देश उदय होने लगा, मतलब लोगों उसमें लोग अट्रैक्ट होने लगे इसके लिए। इंडिया फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, देयरफॉर वाज स्टडी द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट द सिग्निफिकेंस इवेंट एंड द चेंजेस। जब हमारे देश में ये सब काम चल रहा था, जब जो ब्रिटिश हमारे यहाँ पे कॉलोनीज बना रहे थे, इस ड्यूरेशन में हमें ये भी जानना जरूरी है अपने देश के बाद जाने से पहले कि और देशों में पूरी दुनिया में इस समय क्या चल रहा था, ठीक है। नीडलेस टू से डेट दिस वर्ल्ड इवेंट हैज अ सिग्निफिकेंस इम्पैक्ट ऑन द इंडिया, द चेंज इन ट्रेंड वर फर्स्ट विजिबल इन द यूरोप। और इस काल में क्या कह सकते हैं, इन परिदृश्यों को जानना जरूरी है और ये कहना गलत नहीं होगा कि इसने क्या किया, भारत पे भी बहुत सारा इम्पैक्ट डाला था, इन्हीं सब छोटे छोटे जो काम पूरी दुनिया में हो रहे थे इससे भारत पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा था। और सबसे पहले जो ट्रेंड दिखाई दिया, वो सबसे पहले जो बदलाव का ट्रेंड था वो कहाँ दिखाई दिया था हमें, यूरोप में। और यूरोप में क्या बदलाव हुए थे ये हम लोग पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक में। इसमें क्या है, ये बिगनिंग ऑफ, जैसा कि उसने बताया था हमने कि पूरे वर्ल्ड में क्या क्या चेंजेस हुए, इनके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो पहला जो यूरोप में जो चेंजेस हुए उसके बारे में पढ़ते हैं। द सेंट्रल सिग्निफिकेंट चेंजेस अनशेयर्ड इन द मॉडर्न पीरियड इन यूरोप, डिटेट, मतलब क्या हुआ कि इस ड्यूरेशन में क्या इस चेंजेस कहाँ पे सबसे ज़्यादा किसमें हुए, यूरोप में हुए, ठीक है। और ट्रेड बिटवीन द यूरोपियन एंड द अरब लीड्स टू द राइज ऑफ क्लास ऑफ वेल्दी मर्चेंट, यानी कि और यूरोपियन और अरब देश के बीच जो वो हुआ, इन लोग के बीच व्यापार जो हो रहा था
उससे क्या हुआ, राइज हुआ, किसका राइज हुआ, क्लास ऑफ वेल्दी मर्चेंट यानी कि अच्छे संपन्न जो होते हैं ना व्यापारी उनका हुआ, विच हु सपोर्ट मैनी यूरोपियन रूलर इस्टेब्लिश स्ट्रॉन्ग स्टेट। और उन्होंने क्या किया कि जो ट्रेड यूरोपियन रूलर इस्टेब्लिश स्ट्रॉन्ग स्टेट, उन्होंने क्या किया अच्छे जो यूरोपियन रूलर थे ना उनको अच्छे अच्छी स्थिति में लेकर आ दिए ताकि वो दूसरे देशों में भी जाकर व्यापार कर सकें। ठीक है, द ट्रेड ऑल्सो हेल्प इन द ग्रोन टू लार्ज सिटीज, द सिटीज बिकम सेंटर ऑफ सेकुलर लर्निंग विच डेवलप द क्वेश्चन स्प्रेड अमाउंट द इंटेलेक्चुअल इंक्लूडिंग सेक्शन ऑफ लार्ज चर्च ऑफिशियल। यानी कि क्या हुआ, इसी ड्यूरेशन में क्या हुआ कि जो ये ट्रेड थी उन्होंने हेल्प की बड़ी बड़ी सिटीज़ को स्थापित करने में, और जो सिटीज़ थी वो किसका सेंटर बनी, सेकुलर लर्निंग। सेकुलर लर्निंग मीन्स जो किसी भेदभाव पूर्ण ना होके सबके लिए बराबर की भावना का विस्तार करती है, इस तरह के उन्होंने तो उस चीज़ को बल मिला है इस ड्यूरेशन में। ठीक है, ये धर्म जिसे हम बोलते हैं धर्म निरपेक्ष, वो चीज़ यहाँ पर डेवलप हुई। ठीक है, और लोग क्वेश्चन करने लगे किसके बारे में, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं धार्मिक चीज़ों के बारे में क्वेश्चन नहीं कर रहे थे, वो लोग किसके बारे में भी क्वेश्चन कर रहे थे, जो धर्म के बारे में और के बारे में और जो हमारी इंटेलिजेंसी थी उसके बारे में भी डिस्कस करने लगे थे कि जो है। इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रिनेशिनेशन, इसमें क्या था हमारा, इसे बोलते हैं हिंदी में पुनर्जागरण, यानी कि दोबारा से कोई चीज़ जागृत होना, किसके बारे में वो हम पढ़ते हैं। द वर्ड रिनेशिनेशन मीन बर्थ ऑफ रिवाइवल ऑफ लर्निंग एंड आर्ट, यानी कि रीबर्थ, किसका रीबर्थ हुआ, सीखने का किस और कला का, मतलब जो भी चीज़ पहले चल रही थी उसको नई तरीके से सोचने का एक समय जो हुआ वो हमारा रिनेशिनेशन कहलाया। पीपल नाउ बिगन टू क्वेश्चन ऑन रिलीजन साइंस सोसाइटी एक्सेट्रा, और जो लोग थे वो किसके बारे में क्वेश्चन करने लगे थे, समाज में जो धर्म था उसके बारे में क्वेश्चन करने लगे थे, समाज के बारे में क्वेश्चन कर रहे थे और साइंस के बारे में, यानी कि अब जो बातें हो रही थी वो सब ऐसा नहीं है कि पुराने हमारे ग्रंथों में जो लिखा हुआ था या किताबों में लिखा था वो मान लें, नहीं, अब उसका हमें फैक्ट चाहिए था, क्या ये चीज़ सही है या नहीं है। दिस गेव बर्थ टू स्प्रेड द इंक्वायरी, उन्होंने क्या किया, लोगों के अंदर नए वो मिला, नई नई चीज़ों को जानने का, इंक्वायरी करने का, उनके आत्मबल मिला। पीपल स्टार्टेड बिलीविंग इन ऑब्जर्वेशन एंड द एक्सपेरिमेंट्स बिफोर अराइविंग न्यू कंक्लूजन, लोग क्या करने लगे थे, लोगों की चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगे थे, उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बिफोर अराइविंग द न्यू कंक्लूजन, और उस पर नए कंक्लूजन को लेने से पहले, कोई नए विचार सामने रखने से पहले उसमें क्या करने लगे थे, कुछ ना कुछ अपने एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही कुछ कंक्लूजन निकालते थे कि हाँ इससे कुछ ना कुछ लाभ है या हानि है। ठीक है, the most important effect on the renaissance was that new thinker began to take interest in human being, iska sabse acha effect kya pada ki jo hamare naye thinker mean vicharak jo the wo interest lene lage kisme manav jati pe interest lene lage ki manav ka kalyan kisme ho sakta hai, they did not bother about spiritual thing but focused on the achievement and the ability of human being, wo ye issues nahi sirf is अंदर की जो भावना होती है उसके बारे में नहीं, इसके अलावा वो मानव जीवन में जो जो एबिलिटीज़ हैं मानवता की उसमें भी वो लोग फोकस करने लगे, वो क्या क्या चीज़ें मानव जो है क्या क्या चीज़ें अचीव कर सकता है। नाउ मैन बिकम द सेंटर ऑफ स्टडी एंड एफर्ट वर मेड ऑफ द इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, और लोग जो विचारक थे वो किस चीज़ पर फोकस करने लगे, ह्यूमंस पर, और वो सोचने लगे कि हम अपने इस पृथ्वी पर जीवन अपने जीवन को किस तरह से अच्छा बना सकते हैं। द थिंकर वर नोन एज ह्यूमनिस्ट एट देयर कंसंट्रेशन फॉर वॉज ऑन ह्यूमन लाइफ, जो लोग केवल और केवल मानव जाति के कल्याण के लिए सोचते थे उनको हमने क्या बोलने लगे, ह्यूमनिस्ट यानी कि मानववादी बोलने लगे उन्हें। ठीक है, उन्हें क्या बोलने लगे, मानवतावादी बोलने लगे। ठीक है बच्चों, अभी आप लोग को इतना ही करना है, इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मैसेज करके कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।